तो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रूब्रिक्स को देखने जा रहे हैं, खास करके मेंटल रूब्रिक्स को। और माइंड के अंदर में कुछ रूब्रिक्स है जो कि आप क्लिनिक में पेशेंट को आते ही देख सकते हैं, और आप अगर जितना देखना चाहेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे रोगी पर, तो वह आपका बहुत अच्छा विजिबल हो जाता है, और वह ऑब्जेक्टिव सिम्टम होते हुए भी सब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के रूप में वह मेंटल सिम्टम्स भी के रूप में आप उसे ले सकते हैं। हम लोगों के रिपर्टरी में एक बहुत अच्छा रूब्रिक्स है, गेस्चर्स। और गेस्चर्स का मतलब होता है हाव भाव, यानी कि हम लोग कैसे बैठते हैं, कैसे खड़ा होते हैं, कैसे चलते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा होता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा, ये एक रूब्रिक्स है जिसके माध्यम से हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो बहुत नजदीक दवा के पास में पहुंच सकते हैं इस मेंटल रूब्रिक्स के माध्यम से। तो गेस्चर्स का आज हम लोग गेस्चर्स देखने जा रहे हैं, और गेस्चर से अपने आप में आप इस रूब्रिक्स के अंदर में कई एक सब रूब्रिक्स हैं जो कि अलग अलग तरह के गेस्चर्स को लेकर के है। आज हम लोग इसको में देखेंगे। गेस्चर्स क्या होता है? ये नर्व वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें कि बॉडी जो है का एक्शन विजिबल होता है, और आपको कुछ न कुछ बात बताता है, कम्युनिकेट करता है। पर्टिकुलर मैसेज आइदर टू प्लेस स्पीच, मैंने बोलने के जगह पर आप अगर बोले भी ना, केवल इशारा करें तो उससे भी आप समझ सकते हैं, यानी कि शब्द का जरूरत नहीं होता है, लेकिन बिना शब्द बोले हुए भी यह बात को अभिव्यक्त करते हैं, कर जाता है, बता देते हैं, या आप जानबूझ करके भी कर सकते हैं और बिना जाने हुए, यानी कि कॉन्शियस वे में भी होता है और अनकॉन्शियस वे में भी होता है, और कभी कभी सबकॉन्शियस वे में भी होता है। कॉन्शियस वे में है कि आप जानते हैं और आप उस तरह से इशारा कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं उंगली दे करके, बोल करके नहीं, इसको कॉन्शियस गेस्चर कहा जाता है। कुछ गेस्चर होता है जो कि आप जानते नहीं है लेकिन अभिव्यक्त हो जाता है, आप बोलना नहीं चाहते हैं, आपके मन में भाव भी नहीं होता लेकिन वह अभिव्यक्त हो जाता है। और कुछ गेस्चर्स ऐसे होते हैं उसको हम लोग अनकॉन्शियस गेस्चर्स कहते हैं, और कुछ गेस्चर्स ऐसे होते हैं जो कि आप शायद बोलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाता है, लेकिन वो एक्शन में दिखाई पड़ता है, तो ये आपका सबकॉन्शियस गेस्चर्स होता है। तो गेस्चर्स हमारे जो आपको रिपोर्टरी में दिया गया है वह मोटा मोटी तीन तरह के गेस्चर्स आपको दिखलाई पड़ेंगे। एक है सबकॉन्शियस गेस्चर्स और अनकॉन्शियस गेस्चर। गेस्चर्स के अंदर में मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज भी आता है, पैर का जैसे आप जिंकम मेटालिकम को पैर को हिलाते रहता है, वह गेस्चर्स हुआ। फेस का मूवमेंट है, कोई आदमी बैठे रहता है अपना ये चिबाते रहता है, कोई किसी को मुंह बनाते रहता है, और या सर को भी हिलाते रहता है नॉडिंग के रूप में, या बॉडी के दूसरे पार्ट को भी अपना इधर उधर करते रहता है। तो ये सारे जो मूवमेंट होता है, ये सिर्फ बेसिकली आपका बॉडी के मूवमेंट से है, ये नोइंगली और अननोइंगली, जान करके भी या बिना जाने भी जो आपके अंदर में मूवमेंट होता रहता है उसको हम लोग गेस्चर्स कहते हैं। गेस्चर डिफर फ्रॉम द फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट डज नॉट कम्युनिकेट स्पेसिफिकली। कुछ गेस्चर्स ऐसे होते हैं जो कि जिससे आपको कुछ अर्थ नहीं पड़ता है, उसको हम लोग फिजिकल मूवमेंट कहते हैं, है ना। इसीलिए गेस्चर्स होता है जिसके अर्थ से भाव निकल जाता है, तो एक्सप्रेसिव डिस्प्ले, प्रॉक्सिमिक्स डिस्प्ले ऑफ द जॉइंट्स एक्शन, है ना। ये डिस्प्ले आपके एक्शन का डिस्प्ले है जिसको कि आप कॉन्शस सबकॉन्शस या अनकॉन्शस वे में आप जानते हो। प्रॉक्सिमिटी कैन बी डिफाइंड है इंटर रिलेटेड ऑब्जर्वेशन एंड द थ्योरी ऑफ मैन यूज ऑफ स्पेस एज ए स्पेशलाइज इलेबोरेशन ऑफ द कल्चर, ठीक है ना। ये
इसका मतलब होता है कि इंटर रिलेटेड ऑब्जर्वेशन एंड थ्योरी ऑफ मैन, इसको अप्रोक्सिमेशन कहते हैं। इसके अंदर जैसे यहाँ आप ये गोलाकार ये तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आप स्वयं हैं, स्वयं के बाद में आपका परिवार है, पर्सनल पर्सनल स्पेस हुआ आपका, फिर पर्सनल स्पेस के बाद में आपका परिवार का स्पेस है, परिवार के बाद में आपका सोसाइटी का सरफेस है, और उसके बाद में पब्लिक स्पेस। सोसाइटी में कौन आ गए, आपके पड़ोसी हो गए, आपके मोहल्ले में रहने वाले जिनसे आपका परिचय हुआ उसको आपको सोशल सर्कल कहते हैं, और पब्लिक स्पेस होता है, यानी कि अगर आप प्राइवेट में रहते हो, एकदम अकेले रहते हो, तो उस समय में आपका हाव भाव अलग होता है। जब परिवार में रहते हो तो उस समय में एक हाव भाव अलग होता है, फ्रीडम रहता है। अकेले में रहते हो तो आप कैसे भी सो लेते हो, आपको वहां पर एकदम कंप्लीट फ्रीडम होता है। लेकिन जब परिवार में रहते हो तो देखते हो कि पिता के साथ कैसे बात करनी है, माँ के साथ कैसे बात करनी है, भाई के साथ में कैसे बात करनी है, और फिर उसी तरह से आप समाज में जाते, परिवार में जाते, ये सोसाइटी में जाते हो, तो वहां पर आपका भाव फिर और बदल जाता है ना। आपके पड़ोसी किस, जो पड़ोसी पड़ोस में बगल के रहने वाले हैं, उनसे आपका कैसा संबंध है, उनसे कैसा तालमेल है, उस हिसाब से आपके गेस्ट। और जब अननोन प्लेस में जाते हो, जहाँ की पब्लिक प्लेस में जाते हो, तो वहां पर और भी भाव बदलता है, यानी कि गेस्ट चेंजेबल होता है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सोसाइटी एंड द कल्चर, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग, इसमें आता है हैप्टिक, इसके अंदर में एक आता है हैप्टिक, जिसको हम लोग टच कहते हैं, काइनेसिस, काइनेसिस, तो छूता, जैसे आप किसी चीज को छूते हैं उसको हैप्टिक कहते हैं, काइनेसिक मूवमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर जो हिलता है उसको मूवमेंट, और वोकैलिक, ये पारा लैंग्वेज है जो कि मुंह से निकलता है, और क्रोनेमिक्स, क्रोनेमिक्स का मतलब हुआ स्ट्रक्चर ऑफ द टाइम, समय परिस्थिति। तो ये जो गेस्चर्स होते हैं वह आपको टच के माध्यम से, मूवमेंट ऑफ द बॉडी के माध्यम से, पारा लैंग्वेज के माध्यम से, और टाइम के स्ट्रक्चर के माध्यम से, आप समय और परिस्थिति के माध्यम से आपके गेस्चर्स बदलते हैं, और ये गेस्चर्स में जो चेंजेज आता है उसको आप लोग, हम लोग ने रूब्रिक्स के अंदर में देखा है। गेस्चर्स से क्या होता है, गेस्चर्स हमको किसी चीज को कम्युनिकेट करने के लिए, किसी से बात करने के लिए हमें मदद करता है। वैरायटी ऑफ फीलिंग्स और थॉट, किसी भी तरह का, कोई आप गुस्सा हो रहे हैं तो उसमें भी डर रहे हैं, या किसी से कोई बात कहना चाह रहे हैं, या किसी से दूरी बना के रखना चाह रहे हैं, कोई आदमी आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, फ्रॉम कंटेम्प्ट एंड हॉस्टिलिटी, किसी से झगड़ा है, तो वहां भी आपके गेस्चर्स अलग होते हैं। आप कहना चाहते हो, बोल नहीं सकते, बोल करके नहीं, आप अपनी हॉस्टिलिटी शो करके, और किसी के स्वीकृति के लिए, अप्रूवल एंड अफेक्शन के लिए, और सभी मिल करके आपका बॉडी लैंग्वेज के रूप में आता है। कहते हैं कि वर्ड व्हेन दे स्पीक, द बॉडी व्हेन दे स्पीक, शरीर जो बोलता है वही आपका गेस्चर्स होता है। शरीर के भाषा में, शरीर की भाषा आपके गेस्चर्स की भाषा कहलाती है। मेजरेबल पार्ट ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, हम लोगों के जीवन का अधिकांश हिस्सा है इसके अंदर में, है ना, अधिकांश हिस्सा है। ये बहुत ही यूनिवर्सल भी होता है, बहुत सारे गेस्चर्स बहुत जो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, है ना। और कुछ ऐसे भी गेस्चर्स होते हैं जो कि एक सोसाइटी के होते हैं, एक यूनिवर्सल गेस्चर्स होता है, सोसाइटी के गेस्चर्स होते हैं, फैमिली के गेस्चर्स होते हैं, अलग अलग जगह पर आपके गेस्चर्स के रिपोर्टिंग देखे गए हैं। गेस्चर्स प्ले ए सेंट्रल रोल इन द रिलीजियस और स्पिरिचुअल रिचुअल्स, है ना। गेस्चर्स जो है तो आपको एक अलग रोल है इसका, सेंट्रल रोल है, कहाँ पर, जैसे क्रिश्चियनिटी में आपको क्रॉस है, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में मुद्रा है, इस्लामिक में नंबर सिंबल है, ये सब जो है गेस्चर्स का ही एक फॉर्म है। क्रिश्चियन एक क्रॉस को एक क्रॉस कहने से क्या मतलब हो जाता है कि आपको पता चलता है कि क्रिश्चियनिटी है, मुद्रा बनाते हैं ये हिंदू का साइन है, फिर इस्लाम में कहा जाता है 786 कहने का मतलब हो जाता है ये मुस्लिम सिम्बॉल्स है। तो ये गेस्चर्स जो है तो आपको रिलीजन से भी रिलेटेड हो जाता है, आप गेस्चर्स के माध्यम से भी
आप रिलीजन को भी पहचान लेते हैं। एक आता है वितर्क मुद्रा, है ना। वितर्क मुद्रा जो है गेस्चर्स ऑफ डिस्कशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ पॉजिटिविटी, यह है वितर्क मुद्रा का मतलब हुआ ऐसा मुद्रा, ऐसा गेस्चर जिससे कि आप अपने वार्तालाप करते हो और ट्रांसमिट करते हो, भाषा को ट्रांसमिट करते हो, और इसके अंदर में टिप्स ऑफ द थंब को ऐसे करके जोड़ते हो टुगेदर, और जिससे कि आपकी इसको वितर्क मुद्रा कहते हैं। वितर्क मुद्रा आप ये देख रहे हैं ना, बुद्धा का ये फोटोग्राफ, और इसमें ये आप देख रहे हैं, ये वितर्क मुद्रा कहलाता है। दिस इज ऑल्सो ए गेस्चर, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ। तो मुद्रा जितने हैं हमारे हिंदू संस्कृति में, मुद्रा की बात की गई है, तो ये सारे जो मुद्रा बनते हैं ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द गेस्चर है, और उसका इंडिकेशन अलग है। गेस्चर्स आर डॉक्यूमेंटेड इन द आर्ट सच एज ग्रीक वेस पेंटिंग, इंडियन एंड पर्शियन मिनिएचर और यूरोपियन पेंटिंग। अब ये गेस्चर्स का आपको देखिएगा अलग अलग, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना अच्छा ये है आपका मिथिला पेंटिंग है, ये सारी चीज जो है तो हमारे गेस्टर्स को पेंट किया हुआ है। ये आपका देखिए कितना अच्छा पोर्ट्रेट है, पूरे वर्ल्ड में गेस्टर्स को डॉक्यूमेंट किया गया है आर्ट के रूप में, कल्चर के रूप में, पेंटिंग के रूप में, और अलग अलग ढंग से इसको हर एक जगह पर है, और ये सब डॉक्यूमेंटेशन सब गेस्टर्स। अब आइए हम लोग कुछ गेस्टर्स देखते हैं। हैंड गेस्टर्स हाथ से ये करना, परफॉर्म्ड वन और टू हैंड, आप एक हाथ से भी करते हो, दोनों हाथ से भी करते हो, ठीक है ना। और इससे आपको कोई भी चीज का इंडिकेट करना, कंफिगर करना, किसी को बताना, साइन लैंग्वेज, ये सब इससे आप देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है बॉडी गेस्चर्स, है ना। मूनिंग, मूनिंग क्या कहता है, मूनिंग इज द एक्ट ऑफ डिस्प्लेइंग वन बेयर बटक बाय लोअरिंग द बैक साइड, है ना। जैसे इसको मूनिंग कह रहे हैं, जैसे अपना पीछे के भाग को दिखला रहा है, इसको कहते हैं मूनिंग, है ना, विदाउट एक्सपोजिंग द जेनिटल्स। मूनिंग इज यूज इन सम कल्चर टू एक्सप्रेस प्रोटेस्ट, ये विरोध का लक्षण है, है ना। ये मूनिंग जो है तो ये विरोध का लक्षण है, ये सोसाइटी का लक्षण है, सोसाइटी का गेस्चर है, इसे ये पता चलता है किसको हम लोग विरोध कर रहे हैं, मूनिंग। अंसेरमा लिफ्टिंग ऑफ द स्कर्ट्स, है ना, आप अपने शर्ट को, अपने कपड़े को थोड़ा सा नीचे से ऊपर करते हैं, है ना। ये यूरोपियन गेस्चर्स है, जो कि वहाँ का एक मजाक के रूप में या अपने सेक्सुअलिटी का प्रदर्शन करने के लिए लोग इसको करते हैं, इसको एनसायरमा कहते हैं, एनसायरमा, इट इज ए टाइप ऑफ द गेस्चर्स, लिफ्टिंग द स्कर्ट्स। देन पिकॉक, पिकॉक माने मोर, एक्सप्रेसेस सुपीरियरिटी और डोमिनेशन कंबाइंड विद द सर्टेन डिग्री ऑफ ए स्मार्ट एरोगेंस, है ना। जो पिकॉक का लुक होता है वह आपको एरोगेंस का लुक होता है, परफॉर्म बाय पुशिंग द चेस्ट अप, है ना, छाती को थोड़ा सा बाहर निकाल करके और चेहरा को थोड़ा सा झुका करके ऐसा रखते हैं, इसको हम लोग पिकॉक करते हैं। और इसके साथ में बॉडी का हम भी हिल सकता है, मूव कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन चेस्ट जो है तो आउटवर्ड प्रेस्ट होगा और आपका सर जो है तो नीचे की ओर झुका रहेगा, तो इसे हम लोग पिकॉक गेस्चर्स के नाम से जानते हैं। फिर रेजिंग द हैंड, है ना, हम लोग को कभी कभी कुछ हाथ को उठा करके करते हैं, जैसे किसी को हेलो करना है, है ना, तो हम लोग ऐसे ऐसे हाथ उठा करके करते हैं, रेजिंग द हैंड इज ए गेस्चर्स टू कन्वे द हेलो, ठीक है। फिर हेड और फेस गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन को देखिएगा आप, बहुत बड़ा लैंग्वेज है फेशियल एक्सप्रेशन। हम लोग एक में खाली फेस, जैसे आपके आंख का मटकाना, आंख को घुमाना, आपका गाल का मूवमेंट होना, चिप का मूवमेंट होना, ये सारे जो है तो फेशियल गेस्चर्स के अंदर में आता है। आई रोलिंग, है ना, आप देखिएगा रोलिंग वंस आई एक्सप्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, रोटेटिंग द आई अपवर्ड मे हैव द फॉलोइंग इन, इसका मतलब हो सकता है, क्या हो सकता है, इट इंडिकेट्स कंटेम्प्ट, बोर्डम और एक्सटेपरेशन। अगर आप ऐसे ऐसे घुमा रहे, इसका मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है या एक विरोध का भाव व्यक्त कर रहे हैं।
और क्या कहते हैं, रॉयल आई विद द हेड स्लाइटली राइजिंग अप एज इफ पॉइंटिंग अपवर्ड मेड द रेफरेंस हायर हायर की, है ना। अगर आप आंख को ऊपर करके कर रहे हैं तो ये भी, ये सारे चीज आपको पेशेंट में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और आप उसके साथ में हमारे मेडिसिन उसके साथ में इंडिकेट है, नॉडिंग, सर को ऐसे ऐसे हिलाना, है ना। नॉडिंग इज द गेस्चर्स ऑफ कंफर्मेशन, माने आप उसकी यस बोल रहे हैं कि यस है। और मेनी कल्चर एंड निगेशन इन सम, जैसे बुल्गेरिया और श्रीलंका में ये नॉडिंग भाषा बहुत ज्यादा चलता है। ऐसे भी हम लोग जहाँ भाषा नहीं जानते हैं, अगर हम लोग हाँ बोलना चाहते हैं तो सर को ऐसे ऐसे झुका करके हम लोग हाँ बोलते हैं। फिर सर अगर थोड़ा सा नीचे है तो इसे आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि मुझे शर्म आ रहा है ना, अपने अपराध भाव भाव हो रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि कंफर्मेशन हो सकता है। तो इंटरप्रिटेशन डिपेंड करता है कि आप उसके और किस कॉन्टेक्स्ट में वह सिर को हिलाए हुए है, किस परिस्थिति में वह सर को हिलाए हुए है, इस चीज को हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। हेड शेकिंग, है ना, ये बहुत बड़ा गेस्चर्स है, क्योंकि हेड हमेशा शेक करता रहता है, बात करते रहते हैं, तो आप रिपीटेड एक अल्टरनेटिंग साइड आगे की ओर पीछे की ओर, ये शेकिंग हेड है। और सभी सभी हाँ या ना का के रूप में भी इसे इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे भी शेकिंग हेड हुआ करता है। हेड टर्निंग, है ना, हेड टर्निंग, रिपीटेड टर्निंग ऑफ द हेड साइड टू साइड, मीनिंग अपोजिट टू द नॉट, ऐसे ऐसे करेंगे, ना ना मुझे नहीं चाहिए, ना। निगेशन इन मेनी कल्चर एज ए कंफर्मेशन इन सम, कहीं कहीं पर हाँ बोल भी इसका मीनिंग होता है और ना भी मीनिंग होता है, दोनों मीनिंग होता है, ठीक है ना। पॉइंटिंग, पॉइंटिंग बाय चिन, है ना, अपने गुडली को पॉइंटिंग द चिन, व्हेन आर्म्स आर डूइंग समथिंग एल्स, अगर आपका हाथ कुछ काम कर रहा है ना, तो उस समय क्या आप ऐसे ऐसे गर्दन हिला करके अपने ये जो ठुड्डी है इसको उसके माध्यम से करते हैं, ये भी एक ग्रीटिंग्स का साइन है, या ये भी अफर्मेशन का साइन है, या नेगेटिव का साइन है। देन हेलो बाय नॉड, कभी कभी हम लोग मुंह से नहीं बोलते हेलो, लेकिन हाँ थोड़ा सा गर्दन ऐसे करके, अगर कोई बोला गुड मॉर्निंग सर, तो आपने गर्दन को, आपके सर जो है तो गर्दन हिला करके कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट किसी जो से गेस्चर, हेलो गेस्चर्स को कहते हैं। बहुत सारे गेस्चर्स हैं, और इसके बहुत सारे पोर्टेबल गेस्चर्स हैं, कल्चर के गेस्चर्स हैं, कम्युनिटी के गेस्चर्स हैं, जो कि हैव रिपोर्टराइज ऑफ द सब गेस्चर्स, कम्युनिटी के अंदर में हर एक जगह पर अपना अपना गेस्चर्स है। ए सिंगल इम्बेलेमेटिक गेस्चर्स कैन हैव वेरी डिफरेंट सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट कल्चर कॉन्टेक्स्ट, है ना, रेंजिंग फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री टू हाईली ऑफेंसिव, ये सब गेस्चर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, है ना। एक गेस्चर्स का अलग अलग कल्चर में, अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग मीनिंग के रूप में आएगा। कुछ गेस्चर्स ऐसे होते हैं जब हम बोलते रहते हैं, है ना, जब हम बात करते रहते हैं, तो आपकी आवाज के साथ में आपका जो एक्सप्रेशन रहता है वह आपका एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग लाता है। कोई बात आप अगर कहना चाहते हैं, जैसे कहते हैं कि सामान को फेंक दो, तो हाथ मिला करके ऐसे करते हैं फेंक दो, आप किसी को समझाना चाहते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपना हाथ को जैसे मूवमेंट कर रहा हूँ, तो उससे भाषा से आप समझ जाते हैं मैं जो बोल रहा हूँ उसका कंफर्मेशन, है ना। तो बोलते समय में गेस्चर्स जो है, तो आप क्या बोल रहे हैं वह कंफर्मेशन का भी सिंबल होता है। कुछ गेस्चर्स होते हैं उसको बीट गेस्चर्स कहते हैं, है ना। बीट गेस्चर्स, इसमें क्या होता है, रिदमिक होता है, रिदमिक मतलब एक लय के रूप में होता है, एक फ्रेज के रूप में होता है, एक कविता के जैसा लगता है, लगता है कि चल रहा है, गति में है, मोशन में है, उसको हम लोग बीट गेस्चर्स कहते हैं। तो जैसे कुछ बच्चे लोगों को देखिएगा, ऐसे बैठा है और शरीर को हिला रहा है, झूला के जैसा झूल रहा है, इसको हम लोग बीट गेस्चर्स कहते हैं। देन गेस्चर्स हैव बीन स्टडीड थ्रू आउट द सेंचुरीज फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, इसका अध्ययन अलग अलग किया गया है, एंटीक्विटी डिफरेंट कंट्रीज में सभी जगह पर इसका अध्ययन हुआ। अनदर ब्रॉड स्टडी ऑफ द गेस्चर्स कुछ पब्लिश हुए थे 1644 में, और इसके अंदर भी काफी आपको पब्लिक स्पीकिंग एक्सपेरिमेंट किए गए।
आज जो बहुत सारे नए रिसर्चर हैं, एडम केंडॉन, वो भी इसको गेस्चर्स को अध्ययन किया, कम्युनिकेशन, कन्वेंशनलाइजेशन ऑफ गेस्चर्स, और इंटीग्रेशन ऑफ गेस्चर्स एंड स्पीच, इस सब विषय पर काफी चर्चा हुआ है। इसलिए गेस्चर्स जो है तो हमेशा सोसाइटी में, साइकोलॉजी में अध्ययन का विषय रहा है, और ये हम लोगों के लिए, हम लोग अपने होम्योपैथी में भी इसका इस्तेमाल करते रहे। एक रिसर्च है जहाँ की आप मैं ये सब सारे रिसर्चेज हैं इन द फील्ड ऑफ, इंक्लूड सुसान गोल्डिंग मिडवी का और डेविड मैकनिल का, है ना, ये हाउ गेस्चर्स एंड स्पीच आर द पार्ट ऑफ द सिंगल थॉट प्रोसेस। इसमें यह कहा कि बोलना और जो आपका भाव भाव है, यह अध्ययन किया गया, यह बोलना और हाव भाव है कैसे एक है, एक ही है, दोनों दो चीज नहीं है। और दूसरा चीज कि बच्चों लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में गेस्चर्स का क्या रोल है, इस पर भी अध्ययन हुआ है। तो ये गेस्चर्स हमारे बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और आप जब रिपोर्ट्री में आएंगे तो मैं अभी आपको रिपोर्ट्री को भी अपलोड करने जा रहा हूँ, और रिपोर्ट्री के अंदर में आप देखिएगा तो वहां भी आपको अलग अलग तरह के गेस्चर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आज हम लोगों ने गेस्चर्स को देखा, और यह हम लोगों के लिए एक अच्छा, ये आपके रिपोर्ट्री में भी देखिएगा इस तरह के गेस्चर्स आपको मिलेंगे। मैं 1 मिनट आपको रिपोर्ट्री के गेस्चर्स को मैं दिखला रहा हूँ। रिपोर्ट्री के अंदर में जो गेस्चर्स है उसको मैं देखने का कोशिश करता हूँ। 1 मिनट, मैं रिपोर्ट्री को अपलोड कर रहा हूँ। रिपोर्टरी अपलोड हो रहे हैं, 2 मिनट हम लोग देख रहे हैं। लोग इस रिपोर्टरी में हम लोग गेस्ट रूब्रिक्स को देखते हैं। गेस्ट अंदर में देखिए आपको आपने कितनी दवाइयां को देखा, गेस्ट में 189 मेडिसिन है। गेस्टेस रूब्रिक के अंदर में 189 रूब्रिक्स है। मैं आपको गेस्टेस में, अब देखिए एक्शन रिपीटेड, एक ही काम को बार बार कर रहा है। एक्टर लाइकन जैसा एक्टर लोग करता है ना, कुछ बच्चे लोग कभी अमिताभ बच्चन का या किसी का ये कॉपी करते हैं। इसका हायोसाइमस टाइप का मेडिसिन हो सकता है। फिर एंग्री, गुस्सा का गेस्टर्स होता है, क्रोध का, कैनबिस सिंडिका, डलकमरा, हिपरसल्फ, हाँ ये सब दवाइयाँ इसके साथ में है। हिपरसल्फ, नेफ्राइटिस, सिपियास, स्पॉन्जिया। देन एनिमेटेड, एनिमेटेड मतलब नकल के किया हुआ, है ना। फिर आंसरिंग विथ गेस्टर्स, वो जब जवाब देते हैं बोल करके मुंह से नहीं, ये गेस्टर्स के माध्यम से, आर्म्स और इनवॉलेंट्री मोशन ऑफ हाथ या पैर जो है तो हिलता रहता है, ये भी आपके रूब्रिक है। ऑटोमेटिक गेस्चर, बिना जाने हुए भी करते हैं, जो हमने कहा कि अनकॉन्शियस गेस्चर होता है। ये 21 रेमेडिसिन के अंदर में, इसके अंदर में लाइकोपोडियम, नक्मोस्केटा, सेमोनियम। ऑकवर्ड इन, ऑकवर्ड मतलब कि अपने आप को विचित्र जैसा महसूस करता है, उसको ऑकवर्ड कहते हैं। इसमें वेरेट्रम, कैप्सिकम, नेट्रम का, नेट्रम क्या दिया था, एक गेस्टस है कैप्रोफेल्जिया, कैप्रोफोल्जिया, कैप्रोफोल्जिया मतलब कि वो उसको पता नहीं है, कुछ लग रहा है, निंदालू टाइप का है, नींद में है और कोई चीज को छू रहा है, पकड़ने का कोशिश कर रहा है, इसको हम लोग कैप्रोफेल्जिया गेस्टस कहते हैं। एक सावधान कॉशस होता है ना, कॉशस ये है। फिर बच्चों के जैसा एनाकार्डियम, वेरेट्रम, बच्चों के जैसा क्लॉइंग, है ना, क्लॉ करने के जैसा। फिर पॉइसन मोशन एज ऑफ ए, सेक्स के समय में जो पॉइसन होता है
उस समय के मौसम मौसम के जैसा गेस्टेस है, वह कॉस्टिकम और फॉस्फोरस में आता है। फिर कंफ्यूज गेस्टर, आपको लगेगा आप कंफ्यूज है आदमी, इसको हम लोग कहते हैं इसके एकोनाइट साइलिसिया में है। देन कन्वल्सिव, है ना, लगता है कि कुछ दौरा आ रहा है। बहुत सारी दवाइयां हैं, इसमें 35 दवाइयां हैं इसके अंदर में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रूबिक के रूप में आता है, ठीक है ना। कन्वल्सिव डिसाइडेड, एकदम निश्चित फिक्स है, क्लोरिक एसिड। ड्रिंकिंग एज इफ, लगता है कि पानी पी रहा है ना। एंथुजियास्टिक, बहुत उत्साहित है ना। ये सब दवाई शाम के समय में गेस्टर करता है। एक्स्ट्रा वैगेंट, बड़ा अपने को खर्चा जैसा व्यक्त करता है। फिंगर फाइटिंग विद द हैंड, हाथ ऐसे ऐसे ही बात करता रहता है। फिंगर्स, है ना, इनको फिंगर्स के अंदर में जाइएगा तो कुछ लोग बच्चे लोग को देखिएगा मुंह में रखे रहता है, चिल्ड्रन पुटिंग, फिर फिंगर करके आप चाबी को गुच्छा को हाथ में लेकर के घुमाते रहता है, ये भी आपको गेस्टेस आता है। फिस्ट, मुट्ठी बांध करके, पुलिस मूर्ख के जैसा, ठीक है ना। फिर फ्राइटफुल गेस्टेस होता है, डर के डरा हुआ, है ना, फ्यूरियस मतलब बहुत रेज। फिर जेनाइटल्स हैंडलिंग, कुछ ये बड़ा रूबिक है कि बच्चे लोगों में देखिएगा अपने जेनाइटल्स को पकड़े हुए रहता है ना, फिर वह हाथ है। और बड़े लोगों में भी कुछ देखिएगा कि जब वह हाथ रहेगा लेकिन वो अपने जेनाइटल्स के पास में हाथ रहेगा, जेनाइटल्स को बार बार टच करता रहता है। ये आपका बहुत अच्छा सिफिलिटिक टाइप का रूब्रिक है। देन ग्रैस्पिंग, लगता है कि इसको पकड़ रहा है। ग्रॉपिंग एज इफ, फिर हेयर, है ना, बाल के का भी गेस्टेस होता है। हैंड इन्वॉल्वरी मोशन ऑफ द, अभी हम लोगों ने देखा हैंड का मोशन को, 119 दवा है। एक इम्पेशेंट, लगता है कि अधैर्य नहीं है, है ना। इंडिकेट हिज डिजायर बाय गेस्टेस, अपनी इच्छा को गेस्टेस के माध्यम से प्रदर्शित करता है। नशा में है जैसे, इंटॉक्सिकेटेड एज इफ, अल्जाइमर, बोल्ड मेडिसिन है। इनवॉलेंट्री मोशन ऑफ द हैंड, है ना, नी ग्रैस्पिंग, अपने थेवना को पकड़ने की कोशिश करता है। लेबर्ड, काफी मेहनत करता हुआ गेस्टेस, है ना, वो लाइट, है ना, हल्का जैसा। लिप्स मूवमेंट ऑफ द टॉकिंग वॉइस, बोलते लिप्स का मूवमेंट, लगता है कि बोल रहा है, बोल नहीं रहा लेकिन लिप्स का मूवमेंट है। लाइवली मतलब बहुत उत्साहित होता है। मोरोस, उदासी का लक्षण होता है ना, चेहरे से आप उदासी की भाव देख सकते हैं। माउथ इन प्लेस ऑफ हैंड, डिजायर टू यूज माउथ इन प्लेस ऑफ हैंड, डिजायर टू यूज माउथ इन प्लेस ऑफ हैंड, है ना, मुंह को हाथ की जगह पर मुंह के से, जैसे कुछ लोग मुंह से पकड़ने का कुछ कोशिश, है ना, जैसे जानवर लोग कुत्ता लोग करते हैं, कैसे कोई सामान लेना होता है तो मुंह को लेकर के आगे बढ़ते हैं, इसको माउथ इन प्लेस ये यूज करते हैं। ये आपका चॉकलेट करके मेडिसिन। नर्वस गेस्टेस, वन आर्म और लेग और हैंड, एक हाथ या एक पैर ऐसा है। परसिवरेंस विथ ग्रिप, है ना, कुछ गेस्टेस ऐसे ऐसे हैं जिसको काफी धैर्य के साथ भी करता है। पिकिंग, है ना, पिकिंग को कैप्रोफेलिया भी कहते हैं। पुल्स द हेयर ऑफ द बाई स्टैंडर, कोई बच्चा आएगा अपने माँ के साथ में, देखिएगा कि माँ के बाल को नोच रहा है, आपके बाल को नोच रहा है, कोशिश करेगा, तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ द गेस्टर, है ना, बेलाडोना का लक्षण है। पुशिंग द थिंग्स अवे इन स्लीप, नींद में कोई सामान को ऐसे फेंक देगा, है ना। पुटिंग एवरीथिंग इन माउथ, बच्चे लोग कोई भी चीज देखिएगा, क्लिनिक में बैठा है, कोई भी चीज उठा करके मुंह में डाल रहा है ना। रिपीटिंग द सेम एक्शन, रिपीटिंग द सेम एक्शन, उसके बाद पुलिस मूर्ख के जैसा। फिर साई, है ना, एक लजालू टाइप का लोग, स्पिनिंग इमिटेशन। देन स्ट्रेंज एटीट्यूड एंड पोजिशन, स्ट्रेंज एटीट्यूड एंड पोजिशन, वाइस दवा है। सबलाइन टॉकिंग, है ना, टैपिंग विथ फिंगर टिप, ये बहुत कुछ देखिएगा, माथा को ऐसे ऐसे करता है। थ्रोइंग अबाउट आर्म्स, हाथ को बांह को फेंकते रहता है। फिक्स नर्वस, है ना, नर्वस जैसा व्यवहार होता है। फिर टायर्ड एक्शन एज इफ बॉर्न, टायर्ड, लगता है कि थक गया है, है ना। ट्विस्टिंग, किसी चीज को ट्विस्ट करने का कोशिश करते रहता है। अनसर्टेन, कब क्या कर देगा पता नहीं चलता है, बैठा रहेगा बच्चा सा कुछ कर बैठेगा। यूजुअल वोकेशन ऑफ ही, ठीक है ना, वायलेंट, कभी कभी बड़ा वायलेंट होते हैं,
खास करके बेलाडोना के पेशेंट में आप देखिएगा, बड़ा वायलेंट टाइप का आएगा, लगेगा कि मारिए देगा आपको, है ना। फिर जगने के बाद में ठीक, वॉकिंग इन ए पिक्यूलियर प्लेस अवे इन ए पिक्यूलियर वे, विचित्र ढंग से चलेगा, वेस्ट मिकल, देन वाइल्ड, देन रिंगलिंग, ऐसे ऐसे हिलाना, रिंगिंग, ये सारे गेस्टर्स आप देखेंगे। और सभी के अंदर में, फिर रूब्रिक के अंदर में, गेस्टर के अंदर में गेस्टर सब रूम भी आपको कई एक मिलेंगे, तो ये आप देखिएगा कि गेस्टर जो है तो कितना आपका महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा क्षेत्र है लक्षणों के लिए, आपके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ रोगी का बहुत नजदीक से आप पहुंच सकते हैं। तो ये जो हम लोग ने आज देखा है, ये हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, और मैं समझता हूँ कि आज हम लोग गेस्टर्स के माध्यम से रोगी के बहुत कुछ को आप समझ लेते हैं, ये हम लोगों को प्रयास करने का जरूरत है। तो मैं आज इसके साथ में आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज इस लेक्चर सुना है। हम लोग कल फिर और दूसरे लेक्चर से, मैं धन्यवाद।